पिछले एक महीने में पटोरी अनुमंडल अंतर्गत तीन लूट की घटना तथा एक छिनते की घटना हुई। सभी घटनाओं का जल्द से जल्द उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटोरी के नेतृत्व में सभी घटनाओं के लिए अलग अलग एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में सर्किल इंस्पेक्टर पटोरी, थानाध्यक्ष पटोरी, थानाध्यक्ष हलई, थानाध्यक्ष मोहनपुर, थानाध्यक्ष मोहदीनगर, इसके अलावा पटोरी थाना से इंस्पेक्टर मनोज, सब इंस्पेक्टर संतोष, पीएसआई अरशद, पीएसआई कर्मेंदु तथा हलई ओपी से पीएसआई अभिजीत, पीएसआई रंगलाल तथा मोहनपुर ओपी से बिशद विश्वास सब इंस्पेक्टर, पीएसआई संजीत और मोहदीनगर थाना से सब इंस्पेक्टर सोनू, सब इंस्पेक्टर दीपक, पीएसआई गुड्डू तथा क्यूआरटी पटोरी की टीम शामिल रही। इसके अलावा डीआईयू भी इसमें काफ़ी योगदान दी। डीआईयू से इंस्पेक्टर मुकेश, सिपाही अरविंद, सिपाही केशव और सिपाही अखिलेश शामिल। जो तीन लूट की घटना हुई थी उसमें पहली घटना 10 अक्टूबर को हलई ओपी अंतर्गत तीन अपराधियों के द्वारा एक बैग को लूटा गया था। दूसरी घटना 21 अक्टूबर को पटोरी थाना अंतर्गत एमडी कॉलेज के बगल में पीएनबी का सीएसपी को तीन अपराधियों के द्वारा लूटा गया था तथा तीसरी लूट की घटना 5 नवंबर को हलई ओपी अंतर्गत कारखाना चौक के पास से एसबीआई का सीएसपी था उसको लूटा गया। एक छिनते की घटना पटोरी थाना अंतर्गत 7 नवंबर को हुई थी जिसमें कि बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे एक सेवानिवृत्त फौजी हैं उनसे 1.5 लाख रुपए और कुछ कागजात को बैग से आए हुए छिनते की घटना हुई थी। तीनों लूट की घटना में पहला उद्भेदन एनडी कॉलेज के बगल में जो सीएसपी लूट हुई थी उसका हुआ तथा उसमें लैनर और रैकी करने वाले अपराधी के अलावा एक अपराधी अनिरुद्ध था जो हथियार के साथ सीएसपी के अंदर गया था और लूट की थी। अनिरुद्ध को जेल भेजा जा चुका है तथा लूट में शामिल दो अपराधी रंजय महतो, पेशर उपेंद्र महतो, साकिन सरहद माधो, पटोरी पीएस फिरारचंद और मेघनाथ कुमार उर्फ मनीष कुमार, पेशर रामचंद्र राय, साकिन मुकुंदपुर थाना पटोरी, दोनों फिरार चल रहा था। दोनों पटोरी थाना अंतर्गत टॉप 10 के जो अपराधी की सूची है उसमें शामिल है। फिर हलई ओपी में एसबीआई सीएसपी की लूट हुई और जिसमें रंजय महतो की जो गुप्त सूचना हम लोग को मिली तो रंजय महतो की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के क्रम में जो सभी तीनों लूट की घटना और छिनते की जो एक घटना हुई थी सभी का पर्दाफाश हुआ है। तीनों लूट में जो दो अपराधी हैं रंजय महतो और मेघनाथ, ये तीनों लूट में और एक छिनते की घटना में कॉमन था और तीनों लूट और छिनते में दोनों शामिल थे। हलई ओपी में जो बैग लूट हुई थी उसमें जो रंजय और मेघनाथ के अलावा जो तीसरा अपराधी था वो कुंदन था, कुंदन कुमार, पेशर दिनेश राय, साकिन दरवा, थाना ताजपुर हले ओपी, जिसे कि जेल भेजा जा चुका है। एनडी कॉलेज के बगल में जो पीएनबी का सीएसपी की लूट हुई थी उसमें जो तीसरा अपराधी अनिरुद्ध था उसे जेल भेजा जा चुका है। हलई ओपी अंतर्गत जो एसबीआई में सीएसपी की लूट थी जो 5 नवंबर को हुई थी उसमें तीसरा अपराधी सोनू है, सोनू कुमार, पेशर वीरेंद्र राय, साकिन लावापुर, पीएस महनार, वैशाली जिला का, इसके अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। छिनते की जो घटना 7 नवंबर को हुई थी उसमें रंजय महतो और मेघनाथ शामिल था, इसने अपनी स्वीकृति किया है कि हमने ये घटना किया था। रंजय महतो ने इसकी पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है। इसका रहे कि इसमें जो है दूसरा अपराधी मेघनाथ है, मेघनाथ आत्मसमर्पण करके जेल जा चुका है। जो अभी एक दो अपराधी और इसमें कुछ बचे हुए हैं इस सारे घटनाक्रम में जो एक मेघनाथ, सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी और डीआईयू टीम लगातार काम कर रही है तथा इसके लिए इसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रंजय महतो की जो रात में गिरफ्तारी हुई तो रंजय महतो के पास से हमें 250 ग्राम गांजा, एक देसी कट्टा, दो गोली तथा दो मोबाइल बरामद किया गया है और अख्तर कार्रवाई की जा रही है।